हेलो गाइस, हम लोग वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये बेसिक ऑफ इंग्लिश का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 2 में हम लोगों ने सेंटेंस की डिफिनेशन जानी हुई थी। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। बस अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे राइम, राम, राइस, लेटर। ठीक है, राम क्या करता है? एक पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड्स है। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप का होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अगर हम इन्हें शॉर्टली बुझाने की कोशिश करें तो असर्टिव सेंटेंस कह देते हैं कि ये क्या होते हैं? ये एक टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक, जो या तो अफर्मेटिव फॉर्म में होता है या फिर नेगेटिव फॉर्म में होता है। दूसरा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर करें, रिक्वेस्ट करें या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस करें, वे सारे क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऐसे सेंटेंस जो क्या करें, विश करें, प्रेयर करें, कर्स करें, वे सारे क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो जो भी हमारे हमारे हार्ट में जो सडन फीलिंग्स आती हैं, तो वे सारी सडन फीलिंग्स क्या होती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम उन सारी फीलिंग्स को जानते हैं। जैसे सपोज करो आप बैठे हुए और आपके नीचे एक बड़ा सा सांप आ जाए, फिर क्या करोगे? डर जाओगे ना, शब्द हो जाओगे। तो फिर उस फीलिंग को हम किसके अकॉर्डिंग जानेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आइए अब एक एक को हम डिफिनेशंस के साथ जानने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो एक क्या है, एक कथन बनाए, एक कथन को व्यक्त करे। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कथन। जो एक स्टेटमेंट्स को बनाए, व्यक्त करे, वे क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर मैंने एक नोट में लिखा है कि दीज आर 2 इन नंबर। ये क्या होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। कौन से? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। इनको समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसको हम कह सकते हैं कि टू अफर्म और एक्सेप्ट समथिंग। ठीक, टू अफर्म और एक्सेप्ट समथिंग मतलब किस चीज को स्वीकार कर लेना, वो क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप घर पे बैठ के पढ़ो और आपने इस बात को फॉलो किया, बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या किया? इसका मतलब आपने मेरी बातों को एक्सेप्ट किया, तो उसे क्या जानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बट दूसरा क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है? टू नेग्लेक्ट और रिफ्यूज समथिंग। रिफ्यूज समथिंग मतलब कि क्या, कि किसी चीज को अस्वीकार कर देना, मना कर देना, क्या हो जाएगा? वह नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए घर पे आपके पेरेंट्स ने कहा कि जाओ मार्केट से सब्जी लेते आओ, और आप कहें कि मोबाइल में पबजी खेलने में व्यस्त हैं, तो आपने क्या किया था? मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो आपने क्या कर दिया? उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन वही आपने जब उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, हाँ भैया, दीदी, जो भी हैं घर में बड़े पेरेंट्स, अगर हाँ कर दिया कि हाँ मैं जाऊँगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, राम गोज़ टू दिल्ली, ये क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम दिल्ली जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन
आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या, ये अफर्मेटिव है और यहाँ नॉट लग गया तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कभी कभी यही अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव से हमको क्या किसका सेंस मिलेगा, यस का सेंस मिलेगा, और नेगेटिव से नॉट का सेंस मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, विच आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिखता हूँ जिससे पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, कि ये क्वेश्चन वर्ड है। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हू, होज, होज, होम, होम, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वी आर आर यू लिविंग, व्हाट्स आर यू डूइंग, तो ये सारे सेंटेंसेस आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी। आइए अब आगे देखते हैं। टेक योर टाइम, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।